रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब साइबर युद्ध भी तेज। रूसी सेना तेजी से यूक्रेन पर अपना कब्जा कर रही है। आज यूक्रेन रूस के युद्ध का चौथा दिन है। ताबड़तोड़ हमलों और बमबारियों से जमीन के साथ साथ आसमान भी दहल उठा है। यूक्रेन की हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। सैन्य हमलों और मिसाइलें दागने के साथ साथ रूस और यूक्रेन के बीच साइबर युद्ध भी तेज हो गया है। रूस ने यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निशाना साधा है और तेजी से यूक्रेनी सरकारी वेबसाइटों और बैंकों को हैक कर रहा है। रूस ने यूक्रेनी संगठनों से संबंधित सिस्टम पर डेटा को स्थायी रूप से नष्ट करने के लिए एक नए विनाशकारी मैलवेयर का उपयोग किया है। जवाबी हमला करते हुए यूक्रेन ने भी साइबर अटैक करके रूस की कई वेबसाइट्स को डाउन किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कार्यालय क्रेमलिन की आधिकारिक वेबसाइट kremlin.ru शनिवार को रूस की कई अन्य सरकारी और राज्य मीडिया वेबसाइटों पर साइबर हमले की रिपोर्ट के बाद डाउन हो गई। लेकिन इस हमले से पहले भी रूस ने यूक्रेन पर साइबर अटैक किया था। इससे एक हफ्ते पहले रूस ने यूक्रेन की करीब 50 वेबसाइट्स को निशाना बनाया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस मैलवेयर के जरिए रूस ने यूक्रेन को निशाना बनाया था उसका नाम वाइपर मैलवेयर है। वाइपर मैलवेयर अटैक को हर्मेटिक वाइपर नाम से भी जाना जाता है। इस मैलवेयर के जरिए सिस्टम का पूरा डेटा डिलीट किया जा सकता है। एक दूसरे मैलवेयर से अलग होता है और इसने जिस डेटा को डिलीट कर दिया उसे फिर से रिकवर नहीं किया जा सकता। इससे आपके सिस्टम का सर्वर पूरी तरह से हैकर कंट्रोल कर लेता है।